हाल ही में खबरें सामने आई थी कि कलर्स टीवी का शो नमक इश्क का जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। इस खबर को सुनने के बाद शो को पसंद करने वाली ऑडियंस काफी निराश भी हो गई थी। वहीं अब शो में कहानी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस श्रुति शर्मा ने शो के ऑफ एयर होने की खबर को कंफर्म कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्रुति ने शो के आखिरी एपिसोड पर काफी कुछ कहा है। जी हां, श्रुति ने टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में बताया, मुझे शो के ऑफ एयर होने की कल ऑफिशियल कंफर्मेशन मिली। हालांकि हमें शूट के आखिरी दिन की तारीख नहीं दी गई है, हम या तो अगले महीने के बीच में या अगस्त के आखिर में शूट खत्म कर सकते हैं। वहीं श्रुति ने आगे ये भी बताया कि शो के ऑफ एयर की खबर उनके लिए किस तरह से बड़ा झटका था। श्रुति कहती हैं, मैं अभी भी खबर पचाने में लगी हूँ। जाहिर है एक्टर होने के नाते मुझे बुरा जरूर लगा है, लेकिन शो का ऑफ एयर होना जर्नी का हिस्सा है। महामारी से हर चैनल और शो में तमाम बदलाव आए हैं, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा शो एक साल का मार्क पार कर लेगा। मैं खुश हूँ कि हमारा शो 7 से 8 महीने अच्छे से चला। हालांकि प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के बीच बातचीत चल रही है कि हमें नया टाइम स्लॉट मिल जाए, तो हम सब चमत्कार के इंतजार में फिंगर क्रॉस कर बैठे हैं। वेल, बेशक शो के ऑफर होने की खबर से फैंस निराश हो रहे हों, लेकिन श्रुति ने अपनी बात से ये भी साफ कर दिया कि मेकर्स और चैनल के बीच बातचीत जारी है और किस्मत ने साथ दिया तो शायद शो बंद ना किया जाए और इसके टाइम स्लॉट को चेंज करके जनता को शो भरपूर देखने को मिले। वेल, श्रुति के इस खुलासे के बाद जाहिर तौर पर शो को पसंद करने वाली जनता यही दुआ कर रही होगी कि शो को बंद ना ही किया जाए। आपको बता दें कि नमक इश्क का शो साल 2020 के दिसंबर में ऑन एयर किया गया था। शो के किरदार और इसकी कहानी को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। हाल ही में शो को और ज्यादा ट्विस्टेड बनाने के लिए मेकर्स श्रुति के डबल रोल वाले ट्रैक को भी लेकर आए, जिससे कहानी में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा जुड़ चुका है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि शो का अंजाम क्या होगा। क्या वाकई आने वाले दिनों में शो बंद कर दिया जाएगा या फिर फैंस की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए मेकर्स और चैनल्स इसे ऑफ एयर ना करने के बजाय किसी और टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट करें। आप क्या चाहते हैं शो को लेकर, शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।